सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। आज मेरे पास यहाँ पे टीपी लिंक का ये टैपो स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब है। मेरे पास ये दो का पैक है जो कि हम अमेजोन से 1200 रुपीज़ के अराउंड परचेज किए हैं। एंड आज की इस वीडियो में जो है ना, हम इस टीपी लिंक के स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब का अनबॉक्सिंग से लेके कंप्लीट सेटअप सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। टीपी लिंक के टैपो ऐप के थ्रू कैसे आप इन बल्ब्स को कनेक्ट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, और उस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्या कंट्रोल्स मिलता है। इसके अलावा ये जो स्मार्ट बल्ब है ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी वर्क करता है, तो कैसे आप उन दोनों वॉइस असिस्टेंट के साथ इसको सेटअप कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। जहां से आप इस स्मार्ट बल्ब को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिस्का या विप्रो जैसे ब्रांड के स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब का सेटअप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उन वीडियो का लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो सबसे पहले जो बॉक्स पे प्लास्टिक रैपिंग है इसको हटा लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं टैपो L530B इसका मॉडल नंबर है। मेरे पास ये दो का पैक है तो दो एलईडी बल्ब मिलने वाला है, 16 मिलियन कलर्स एंड टेम्परेचर रेंज यहाँ पे मेंशन है 2500 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक का। एंड इन बल्ब्स का जो लाइट है वो 60 वॉट के इक्विवेलेंट है, 806 ल्यूमेंस का ब्राइटनेस यहाँ पे मेंशन है। बॉक्स के राइट साइड में स्मार्ट बल्ब का स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो कि आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। 806 ल्यूमेंस का ब्राइटनेस मेंशन्ड है, वोल्टेज मेंशन्ड है, कलर टेम्परेचर रेंज मेंशन्ड है। ईच बल्ब का जो एग्जैक्ट वॉटेज है वो 8.3 वॉट है और इसको आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स के बैक साइड में कुछ और इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे 16 मिलियन कलर्स, स्टेपलेस डिमिंग, स्मार्ट वॉइस कंट्रोल, और ये गूगल और एलेक्सा दोनों के साथ वर्क करता है। और इस बल्ब को सेटअप करने के लिए जो टैपो ऐप है उसका QR कोड आपको मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इन बल्ब के साथ आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। तो बॉक्स में आपको दो एलईडी बल्ब इस तरीके से मिल जाता है, एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है, एक ऑटोमेट ईयर स्मार्ट होम का छोटा सा डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे बल्ब का जो है ना क्लोज लुक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए किस टाइप के पिन के साथ आता है। यहाँ पे टैपो मल्टी कलर मेंशनड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नेम मेंशनड है, 8.3 वॉट मेंशनड है। इसके अलावा वोल्टेज रेटिंग हो गया या फिर कितने ल्यूमेंस का ब्राइटनेस मिलता है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेंशनड है। एंड एक नॉर्मल एलईडी बल्ब का जो बिल्ड क्वालिटी होता है ना, सिमिलर टाइप का ही बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पे भी मिलता है। अब टीपी लिंक इन बल्ब्स को सेटअप करने के लिए यूज करने के लिए जो है ना, आपको अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर रिस्पेक्टिवली ओपन कर लेना है और टीपी लिंक टैपो ऐप आपको सर्च कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आप जो है ना प्ले स्टोर पे टैपो सर्च कीजिएगा तो आपको ये ऐप मिल जाएगा और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। यहां पे आपको यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड टर्म्स ऑफ यूज को टिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। अगर आपके पास टीपी लिंक आईडी है या टीपी लिंक पे अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट टीपी लिंक आईडी पे टैप करेंगे, अपना लोकेशन और ईमेल एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। उसके बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा, योर ईमेल हैज बीन रजिस्टर्ड, तो फिर आप यहाँ पे टू लॉग इन के ऊपर टैप कीजिएगा। बट पासवर्ड सेटअप करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तो यहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड रीसेट वाले ऑप्शन में आपका ईमेल एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेंड वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा, आपकी ईमेल एड्रेस पे जो है ना एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड जो हम सक्सेसफुली रीसेट कर लिए। अब यहाँ पे टैपो ऐप में ऑलरेडी रीसेट वाले बटन पे टैप करेंगे एंड जो पासवर्ड हम रीसेट किए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड उसके बाद सिंपली लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन का एक्सेस आप चाहें तो अलाउ कर सकते हैं या फिर डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टैपो ऐप के डार्क मोड के बारे में आपको बताया जा रहा है, हम फिलहाल यहाँ पे डार्क मोड ट्राई नहीं करने वाले तो हम इसको कट कर दिए। फिर यहाँ पे आप टैपो अकाउंट के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, हम इसको मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको टैपो ऐप का कुछ इस का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले होम पेज है, फिर यहाँ पे स्मार्ट कैमरा जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट टैब में रूटीन, शॉर्टकट, ऑटोमेशन का ऑप्शन मिलता है, मी सेक्शन में आपका प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में जो है ना प्लस का बटन है, इसके ऊपर टैप करेंगे, ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस को आप ऐड कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे लाइट ऐड करना है तो हम यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट में जो ऊपर से
तीसरा है टैपो L530, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको अपने स्मार्ट बल्ब को जो है ना इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है होल्डर में पावर ऑफ करके, तो यहाँ पे जो है ना हम एक छोटा सा सेटअप बना के रखे हैं। फिलहाल के लिए हम एक ही बल्ब को सेटअप करने वाले हैं एंड एक ही जो टैपो का बल्ब है ना इसको पावर ऑफ कंडीशन में ही हम यहाँ पे होल्डर में इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करते ही आप देखेंगे कि मेरा ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगा है और 3 times जो है ना वो इस तरीके से ये ब्लिंक करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ पे टर्न ऑन लोकेशन में आपको इनेबल करना है एंड लोकेशन का परमिशन जो है वो अलाउ करना है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद ऐप के थ्रू जो है ना अपने स्मार्ट बल्ब को वाईफाई से कनेक्ट करना है और 2.4 GHz वाले बैंडविड्थ से ही आप कनेक्ट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर टैप करते हैं। तो कनेक्ट पे टैप करते ही जो आपका बल्ब है ना वो टैपो ऐप के थ्रू आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली जो भी वाईफाई नेटवर्क विजिबल होगा 2.4 GHz बैंड वाला वो आपको शो करने लगेगा। तो जो भी आपका वाईफाई हो उस वाईफाई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने वाईफाई के पासवर्ड को एंटर कर दीजिएगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपका वाईफाई नेटवर्क नेम और उसका पासवर्ड शो करेगा, फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है एंड अब आपका जो टैपो डिवाइस है मतलब कि आपका जो बल्ब है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। एंड जैसे ही कनेक्ट होगा ना उसके बाद आप देखेंगे कि एक बार जो है ना आपका बल्ब ब्लिंक करेगा। उसके बाद आप अपने बल्ब का नेम जो है वो रीनेम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसका नाम जो है वो ऑफिस लाइट करके नेक्स्ट पे टैप करते हैं। फिर कस्टम लोकेशन में आप बल्ब को जिस भी रूम में यूज करने जा रहे हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली जो है ना आप कुछ रूम का नेम एंटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर टैप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लाइट के लिए अलग अलग आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी आइकन आप रखना चाहते हैं वो रख के नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। चेक फर्मवेयर के ऊपर हम टैप करेंगे ताकि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा इस डिवाइस के लिए, इस एलईडी बल्ब के लिए, तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नया फर्मवेयर शो कर रहा है तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और जो मेरा डिवाइस है वो रेडी टू यूज है। साउंड्स गुड के ऊपर टैप करेंगे। फिर फर्मवेयर अपडेट के लिए यहाँ पे जो टाइम है वो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम गॉट इट के ऊपर टैप करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऐप में अब मेरा डिवाइस शो कर रहा है। अब यहाँ पे इस पावर बटन के ऊपर टैप करके हम बल्ब को ऑफ कर सकते हैं, फिर टैप करके ऑन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ऑफिस लाइट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो आपको पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ यहाँ पे कलर्स का आपको प्रीसेट्स मिल जाता है, तो आप अलग अलग कलर्स जो है डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लास्ट अगर आपको प्रीसेट्स में कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। किसी भी प्रीसेट के कलर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर ब्राइटनेस चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। प्रीसेट्स में ही आपको जो है ना ऑटो मैच एंड ऑटो कंपनसेट का ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर मिलता है जहां से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस को डिक्रीज कर सकते हैं। एंड जैसा कि बॉक्स में मेंशन था 2500 केल्विन वार्म टेम्परेचर से लेके आप 6500 केल्विन कूल टेम्परेचर तक में स्विच कर सकते हैं, ये इसका कलर टेम्परेचर रेंज है। फिर कलर का आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है जहां से आप डायरेक्टली कलर्स को चेंज कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स मिल जाता है जहां से आप डिवाइस आइकन, डिवाइस नेम, उसका लोकेशन, डिफॉल्ट स्टेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट ऑन ऑफ ग्रेजुअली का ऑप्शन मिलता है। इन ऑप्शंस को इनेबल करने से लाइट ऑन या ऑफ होता है ना, तो धीरे धीरे ऑन होगा, धीरे धीरे ऑफ होगा। अब नेक्स्ट स्मार्ट बल्ब को अगर आपको गूगल असिस्टेंट के साथ यूज करना है या गूगल होम ऐप में यूज करना है तो उसके लिए आपको गूगल होम ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा। इस ऐप को ओपन करना होगा, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा, डिवाइस सेक्शन में आना होगा। आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो है ना काफी सारा डिवाइसेस, काफी सारा स्मार्ट प्लग जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे एंड वर्क्स विद गूगल होम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे होम कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि काफी सारा सर्विसेज शो कर रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे टैप करना है एंड टैपो यहाँ पे सर्च करना है। टैपो सर्च करते ही यहाँ पे आपको टैपो देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, उसके बाद एग्री एंड लिंक के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ऑफिस लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। डन के ऊपर हम यहाँ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस लिस्ट में जो है ना ये ऑफिस लाइट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, जिसमें स्लाइडर मिलता है जहाँ से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टैप करके जो है ना आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। लॉन्ग टैप अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको कुछ टेम्परेचर वाला प्रीसेट्स मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर चाहें तो कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वार्म टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। एक बार जब आप गूगल होम ऐप में लाइट को ऐड कर लेते हैं ना, उसके बाद आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑफ ऑफिस लाइट,
टर्न ऑन ऑफिस लाइट, ओके, चेंज ऑफिस लाइट कलर टू रेड। तो इस तरीके से जो है ना, आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्मार्ट बल्ब को। अब नेक्स्ट, अगर आपको इस टीपी लिंक के स्मार्ट बल्ब को एलेक्सा में सेटअप करना है तो एलेक्सा ऐप ओपन कर लेना है, अपने अमेजोन अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। हम ऑलरेडी एलेक्सा ऐप यूज़ कर रहे हैं अपने अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेज के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप डिवाइस सेक्शन में आ जाइएगा, प्लस के ऊपर टैप कीजिएगा, एड डिवाइस के ऊपर टैप कीजिएगा, यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड नेम जो है वो देखने के लिए मिलेगा। स्वाइप करके जो है ना आपको टीपी लिंक या टैपो जो है वो देख लेना है। तो यहाँ पे टीपी लिंक टैपो मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर से टैप करना है। अब यहाँ पे एक मैटर का लोगो जो है ना वो पूछ रहा है कि लाइट पे है कि नहीं, तो मेरे लाइट पे तो ये लोगो नहीं है, तो हम यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइट टर्न ऑन है या नहीं, तो है, तो यस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या लाइट ऑलरेडी टीपी लिंक टैपो ऐप में सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे यस के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या हम लाइट को टीपी लिंक टैपो ऐप के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम यस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करके जो है ना आप टीपी लिंक के टैपो अकाउंट को एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट को टैप करते हैं। उसके बाद जो है ना आपको टीपी लिंक का या टैपो का एक स्किल देखने के लिए मिलेगा, और ऑटोमेटिकली जो है ना आप इस नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको एग्री एंड लिंक के ऊपर टैप करना है। एंड ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अकाउंट लिंकिंग प्रोसेस आया और टैपो हैज़ बिन सक्सेसफुली लिंक्ड आ गया। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। अब एलेक्सा जो है डिवाइस को फाइंड कर रही है, एंड यहाँ पे एक टैपो लाइट जो है वो फाइंड हो गया है। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पे एलेक्सा में जो है ना हम स्टूडियो के नाम से एक रूम जो है वो क्रिएट करके रखे हैं, तो हम स्टूडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज इस लाइट को हम अपने स्टूडियो में ही यूज करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम ऐड टू ग्रुप के ऊपर टैप करेंगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आपको स्किप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऑफिस लाइट एडेड टू स्टूडियो, कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट कमांड, जैसे कि आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लेटर के ऊपर टैप करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं, और ऑफिस लाइट जो है वो सेटअप हो गया है, रेडी टू यूज है, डन के ऊपर टैप करते हैं। अब जो है हम एलेक्सा के थ्रू भी जो है ना इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, और एलेक्सा को कमांड देने के लिए जो है ना, अगर आपके पास एको डॉट डिवाइस है तो आप उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ऐप में जो आपको एलेक्सा का ऑप्शन मिलता है यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑफ ऑफिस लाइट, ऑफिस लाइट को ऑन करो, ऑफिस लाइट के कलर को वाइट करो, ऑफिस लाइट के कलर को रेड करो। तो इस तरीके से जो है ना आप एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, या गूगल होम, गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे हम एक डिवाइस को सेटअप किए या एक एलईडी बल्ब को सेटअप किए, सिमिलरली जो है ना आप दूसरे एलईडी बल्ब को भी सेटअप कर सकते हैं। इसका आप कुछ और नाम रख दीजिएगा, ताकि आपको जो है ईजी हो वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कंट्रोल करने में। तो फ्रेंड्स, यही था टीपी लिंक के टैपो स्मार्ट वाईफाई एलईडी बल्ब का कंप्लीट सेटअप, किस तरीके से आप इसको गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा के साथ यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। जहाँ से आप इस स्मार्ट बल्ब को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।